हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम साइकिल के पिछले वाले हब का एक्सल कोन चेंज करेंगे। इसके लिए आप इसके दोनों तरफ से नट खोल लेंगे। खोलने के बाद इसके स्टैंड को भी बाहर निकाल लेंगे। अब दोस्तों, इसके डिरेलर को थोड़ा पीछे करेंगे और चक्के को ऊपर उठाकर बाहर निकाल लेंगे और ये बड़ी आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद हम इसका ये वाला नट खोलेंगे। इसको खोलने के बाद हम इसकी जो वाशर है, स्पेसर्स हैं, वो निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसमें फ्री व्हील खोलने वाला नट लगाएंगे, उसे रेंच की मदद से खोल लेंगे। खुलने के बाद हम इसकी कोन को बाहर निकालेंगे। ये ढीली हो चुकी है, कोन इसकी काफ़ी ख़राब है। इसको खोलने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, एकदम कट चुकी है ये, क्योंकि जब चलाते थे कट कट की आवाज़ आती थी। इसे हम निकाल लेंगे दूसरी तरफ से। इस तरफ ये पक्के टाइट किए हुए थे नट। इसके बाद हम ये वाले यूज़ करेंगे, नई, बिल्कुल नई, ब्रांड न्यू। और मैग्नेट के साथ पेचकश को लगाते हुए इसकी गोलियाँ निकाल लेंगे ताकि अंदर ना गिरे। अंदर गिरने के बाद बड़ी मुश्किल से निकलती है। इसी तरह दूसरी तरफ से भी सारी गोलियाँ निकाल लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, हम हब को क्लीन कर लेंगे अंदर से। जो कटोरी, जैसे कप भी बोलते हैं, हब कप, जिसमें हमारी बॉल बैरिंग्स लगती हैं, ये देखिए क्लीन हो चुका है बिल्कुल। दूसरी तरफ से भी इसी तरह हम क्लीन कर लेंगे ताकि जो पुराना इसमें ग्रीस वगैरह लगा है सारा क्लीन हो जाए। ध्यान रहे कि डिस्प्ले पे ना लगे ग्रीस। अब हम नई एक्सल कोन का यूज़ करेंगे। इसके नट को एक तरफ टाइट कर लेंगे, पूरे पक्के वाले डिस्क ब्रेक वाली साइड टाइट कर लेंगे। दोस्तों, इसमें दोनों तरफ नौ नौ गोलियाँ लगेंगी बैरिंग वाली, और दोनों तरफ अच्छे से ग्रीस लगा लें ताकि कटे ना कोन इसकी दोबारा जल्दी से। इससे बिल्कुल सही रहता है। ध्यान रहे कि गोलियाँ पूरी नौ ही हों, ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। इससे खड़खड़ करेगा आपका साइकिल चलते वक्त। दोनों तरफ हमारी वायरिंग की गोलियां लग चुकी हैं। अब इसमें हम एक्सल फिट करेंगे। एक तरफ से हमने पेच टाइट कर रखे हैं, दूसरी तरफ से अब हम टाइट करेंगे और ग्रीस लगा लें कोन लगाने से पहले। अब दूसरा स्पेशर वाला नट भी लगा दें इसमें। अब एक बार यहाँ पर चेक कर लेंगे, थोड़ा सा कसने के बाद ओके है तो पूरा फुल टाइट कर देंगे इसको। टाइट करने के बाद एक दो और नट लगा देंगे जो साइकिल के फ्रेम के साथ जाके लगेगा, जिससे फ्री व्हील और साइकिल के फ्रेम के बीच गैप बना रहेगा। इसी तरह से हम इसको जैसे निकाला था वैसे ही साइकिल फ्रेम में लगा देंगे और ये बड़ी आसानी से लग जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ये देख सकते हैं आप, लगाते वक्त थोड़ा सा, बस ओके, ये लग चुका है। अब इसके हम नट टाइट कर देंगे दोनों तरफ से। उस तरफ से टाइट करते वक्त याद रखें कि स्टैंड भी लगाना है, कभी कभी भूल जाते हैं। अब इसको हम अच्छे से टाइट कर देंगे फाने से और ये हमारा टायर फिट हो चुका है अच्छे तरीके से। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।